कि आयुर्वेदा ये कस्टमाइज साइंस है, क्या आयुर्वेदा को यहाँ पे मिसअंडरस्टूड किया गया है? 6 months के की प्रेग्नेंट लेडी से सूर्य नपराशन शुरू कर सकते हैं। बहुत गर्म पानी से नहलाना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है मतलब मोशन ही नहीं हो रहा है, दो दो दिन चार चार हाँ, और बच्चा बहुत टाइट पुश करने की कोशिश कर रहा है बट नहीं हो रहा, और इनफैक्ट गैसेस बहुत ज्यादा हो रहा है और कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। ओके मैम, क्या बच्चों को सुवर्ण प्राशन देना चाहिए? आप में से जो भी आयुर्वेदा के ऊपर बिलीव करते हो, यू हैव अ फेथ, इट वर्क्स फॉर यू। फ्रेंड्स, आपको पता है एक माँ का केयर और बच्चे के केयर में आयुर्वेदा, हमारा अपना एंशिएंट साइंस, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गुटी देना चाहिए कि नहीं, सुवर्ण प्राशन देना चाहिए कि नहीं, उत्तन यूज करना चाहिए कि नहीं, पानी कितना गर्म होना चाहिए, मसाज कितने दिन करना चाहिए, उसी के साथ घरेलू छोटी छोटी चीजें जो कई सालों से आयुर्वेदा में दवाई की तरह यूज होती है, क्या हम लोग बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं? आपको पता है ये सारे सवाल हर मम्मा के दिल में है, बट हम लोग सवालों के जवाब एलोपैथिक साइंस या एलोपैथिक डॉक्टर के पास ढूंढ रहे हैं या जनरल यूट्यूब या गूगल रिसर्च में ढूंढ रहे हैं। बट एक ऑथेंटिक चीज क्या होती है? जब भी हमारे साथ कोई ऐसा हो जो इस नॉलेज को लेके एक्सपर्टाइज कैरी करता है, ऐसी एक मैम हमारे साथ डॉक्टर अमृता, MD आयुर्वेदिक डॉक्टर स्पेशलाइज्ड इन योगा, मदर एंड चाइल्ड केयर में उनका 10 साल का एक्सपीरियंस है, उनका क्लिनिक है दो जगह पे, बट ये दोनों ही जगह पे सी स्पेशलाइज्ड विद सुवर्ण प्राशन देना, उसके पीछे का साइंस, उस चीज़ों को कैसे मैनेज करना चाहिए। एट द सेम टाइम शी इज असिस्टेंट प्रोफेसर एट टिड़क महाराष्ट्र विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, यस, जहाँ से मैं मेरा मास्टर्स भी कर रही हूँ। सो अमृता मैम मेरे टीचर है पिछले 2 सालों से। एक चीज़ मैंने उनके साथ सीखते वक्त समझ के लिया है कि वो हम स्टूडेंट्स को जज नहीं करते, समझते हैं कि हर एक का अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है और उनका जो सब्जेक्ट है उससे उनको बहुत ज़्यादा प्यार है और वो बहुत पैशनेट है आयुर्वेदा को लेके। और मुझे लगता है जब कोई किसी साइंस को लेके बहुत पैशनेट होता है ना, तो बहुत कमाल का सिखाता है और बहुत कमाल का उस साइंस को समझता है। चलिए, मेरे लिए एक बहुत इंसाइटफुल इंटरव्यू, आप सब लोगों के लिए आयुर्वेदा, चाइल्ड केयर और सुवर्ण प्राशन, गुटी, उत्तन, ये सभी चीज़ों के बारे में आंसर विद लॉट ऑफ क्लैरिटी। तो दोस्तों, आपके बहुत सारे सवाल, आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक कौन सी चीजें मेरे घर में बच्चे के लिए यूज कर सकते, क्या बच्चे के लिए सेफ है, वो मेरी दोस्त के बच्चे के लिए काम किया था, क्या वो मेरे बच्चे के लिए काम करेगा, ये सारे सवाल है। मैं नहीं कमेंट कर रही हूँ, यू हैव एन एक्सपर्ट MD आयुर्वेदिक डॉक्टर, डॉक्टर अमृता, तो वो हमारे सवालों का जवाब देंगे। वो आपके सवालों का जवाब देंगे जो आपके दिल में बहुत दिनों से आ रहा है। सो अमृता मैम, वेलकम टू माय ध्वजा। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछना है, ये आयुर्वेदा एग्जैक्टली होता क्या है? अच्छा, ये बहुत पुराने ज़माने से चलती आई हुई ग्रंथ है आयुर्वेद, जो अथर्व संहिता में बताई हुई है, अथर्व वेद में बताई हुई है। एक्चुअली इसमें जो है मेन एम जो है वो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस से व्याधि परिमोक्ष, मतलब इसका अर्थ जो है बाकी के स्ट्रीम से ये अलग कैसा है कि इसमें दोनों चीज़ें बताई हुई है, जिसमें प्रिवेंटिव मेजर्स भी बताए हैं और डिसीज अगर होता है तो उसके लिए कैसे हम डिसीज क्योर करें ये भी बताया है। मतलब इसमें स्वस्थ रहने के लिए जो जो उपाय है वो सभी बताए हैं, जो हम आगे में डिस्कस करेंगे ही। और अगर डिसीज होता है बच्चे में भी कुछ, अगर व्याधियाँ दिख रही है तो उसके लिए क्या करना है ये भी हमें देखना है इसमें। आयुर्वेद ये एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक साइंस है, मतलब ओवरऑल बॉडी का विचार करके हम उसके लिए मेडिसिन देते हैं। उसमें दोष, धातु, मल, प्रकृति परीक्षण, अग्नि परीक्षण, ये ओवरऑल विचार करके हम उसके लिए मेडिसिन डिजाइन करते हैं कि क्या दे सकते हैं। सो मैम, आपने भी एक वर्ड यूज किया डिजाइन, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि आयुर्वेदा ये कस्टमाइज्ड साइंस है? यस यस, इट इज अ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, जैसे एक जनरलाइज्ड मेडिसिन नहीं है, लेकिन कुछ हद तक हमें उसे जनरलाइज कह सकते हैं, बट ये पर्सनलाइज स्पेसिफिक प्रकृति के हिसाब से, मतलब किस प्रकार के बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है बेटे का या बच्चे का या ओवरऑल ह्यूमन बॉडी का, तो इस हिसाब से हम उनको मेडिसिन देते हैं या फिर सजेस्ट करते हैं। वाओ, इन्होंने भी एक वर्ड यूज किया प्रकृति, थोड़ा सा उसके बारे में डिग करता है। मैम, आपने प्रकृति बोला, सो प्रकृति ये क्या होता है और क्या बच्चों का भी प्रकृति होता है?
या बड़े इंसानों का ही होता है? सभी सभी लोगों का, जब जन्म होता है उसी समय पे प्रकृति भी डिसाइड होती है। ये प्रेडोमिनेंस ऑफ दोष जो है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि बच्चे की प्रकृति कौन सी है। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो तीन प्रकार की प्रकृतियाँ हैं, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। इनके कॉम्बिनेशंस दिखाई देते हैं। वाओ, ठीक है। तो प्रकृति आपको जाननी है, मैं बताऊं आपको? मुझे टू टू लाइंस में, बिकॉज बहुत सारे लोग ना वात पित्त कफ में से, उनको पता है कफ मतलब सर्दी खांसी हो गया, पित्त मतलब मेरे को बहुत एसिडिटी हो रहा है, और वात मतलब सबको लगता है सिर्फ गैसेस हो है। सो अगर आप टू टू लाइंस में सिर्फ एक्सप्लेन कर पाओगे, माइट बी यहाँ पे कोई भी ऑडियंस मैम वात पित्त कफ को एज अ प्रकृति वहाँ पे जज नहीं कर पाएगा, बट एटलीस्ट समझ पाएंगे कि वात मतलब सिर्फ गैसेस नहीं होता, इट्स लॉट मोर। सो माइट बी वन और टू लाइन्स। ओके, इन द रेफरेंस विद किड्स, विद किड्स की कौन सा बच्चा थोड़ा सा वात का है तो उनको समझ में आएगा, क्योंकि इसको वात प्रकृति बोल सकते हैं ऐसा कुछ। अच्छा, वात प्रकृति का जो बच्चा होता है वो एक्चुअली एक जगह पे टिक नहीं पाएगा, मतलब बहुत चंचल होता है, एक जगह पे बैठेगा नहीं, यहाँ वहाँ उसका कुछ ना कुछ चलता रहता है। उसके अगर कुछ मतलब उसने कुछ प्लानिंग किया कि इस प्रकार से करना है तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए या फिर कहाँ पे गिर जाए, तो इस प्रकार का थोड़ा सा चंचल चंचल स्वभाव का जो होता है वो वात का होता है। उसमें थोड़े से कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू पित्त और कफ की प्रकृति वाले बच्चों में, क्योंकि ड्राइनेस शरीर में ज़्यादा होता है। तो अकॉर्डिंगली हमें उसको जो है रेजिमेंट जो है वो उनको देना होगा कि वात प्रकृति के लिए किस प्रकार का आहार हो या फिर उसने किस प्रकार का व्यायाम करना चाहिए। थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन उसका कम होता है, मतलब बहुत बार रट के फिर याद रहेगा वात प्रकृति। पित्त प्रकृति का जो बच्चा होता है वो बहुत शार्प होता है, शार्प बुद्धि, एक बार अगर पढ़ लिया तो वो ध्यान में रहेगा, या फिर एक बार मम्मा ने बताया कि इस प्रकार का नहीं करना है तो नहीं करेगा, एकदम शार्प और गोरा गोरा ऐसे थोड़ा सा वाइटिश रेडिश इस प्रकार का, और थोड़ी सी हीट शरीर में होती है, ठीक है। मतलब अंदर से वो गर्म रहेगा तो आपको ऐसे कभी लगे कि उसे बुखार है, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं है कि उसको बुखार है, अंदर से वो गर्मी जो है वो पित्त के कारण होती है। मतलब थर्मामीटर बुखार नहीं दिखाएगा, बट वार्म है, थोड़ा वार्म रहता है, ओवरऑल बॉडी उसकी वार्म होती है। कफ प्रकृति वाला जो होता है वो ऐसे मोटा सा, बहुत गोल मटोल ऐसे और गोरा गोरा इस प्रकार का, थोड़ा सा आलसी, क्योंकि उसको पुश करना पड़ेगा हमेशा आपको, अरे ये खेल लो या फिर ये कर लो, एक जगह पे बैठने वाला काम उसको पसंद रहेगा। मतलब ज्यादा सोचने वाला, माइट भी बैठ के पढ़ने वाला, ऐसी भी चीज है। हाँ, ऐसे भी कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा आलसी। और उसको कफ के जो दोष है, मतलब सर्दी खांसी की परेशानी है, उसमें ज्यादा दिखाई देंगी क्योंकि शरीर में ऑलरेडी कफ है। पित्त वालों को थोड़ी सी हीट वाली परेशानी दिखेगी, मतलब स्किन पे रैशेस आ रहे हैं या माउथ अल्सर्स आ रहे हैं या यूरिन में जलन हो रही है, ये वाली परेशानियां पित्त प्रकृति के बच्चों में दिखेगी। और वात वाले बच्चों में कॉन्स्टिपेशन, ड्राइनेस इस प्रकार का दिखेगा, इनडाइजेशन। दिस इज टू गुड मैन, हर कोई सोचने मतलब जो हाँ मेरा बच्चा तीनों में से किधर है। जो इन्होंने इसके पहले बोला वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी कि कोई भी बच्चा सिर्फ बच्चा या कोई भी इंसान एक प्रकृति का नहीं होता, थोड़ा कॉम्बिनेशन होता है, बट डोमिनेंस एक का होता है, मतलब एक थोड़ा ज़्यादा एक थोड़ा कम, सो कुछ उस हिसाब से आगे चला जाता है। मैम आपने भी बोलते वक्त एक वर्ड इनडायरेक्टली यूज़ किया कि आपने बोला कि आयुर्वेदा ये कॉम्बिनेशन है आहार एंड मेडिकेशन, सो क्या आयुर्वेदा किचन से रिलेटेड है, मतलब हर एक के किचन से रिलेटेड है? यस यस बिल्कुल, आहार ये किचन से भी रिलेटेड है, और वही जैसे मैंने अभी बताया कि प्रकृति के हिसाब से अगर हम उन बच्चों को आहार दें तो उनके होने वाले डिसीज से हम उनको प्रिवेंट कर सकेंगे। वाओ, आप लोग सोच रहे हो ना क्या है पूछने वाली वो क्वेश्चन, टेंशन मत लेना। ओके, सो मैम नेक्स्ट आई हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आयुर्वेदा को लेके मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैंने क्या मिसकंसेप्शन सुने हुए। मेरी दोस्त के बच्चे को उस आयुर्वेदिक डॉक्टर ने जो दवाई दी थी उससे उसको कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया, तो मेरे भी बच्चे को मैं वही दे देती हूँ, ये मैंने एक बहुत कॉमनली सुना है। दूसरा मैंने बहुत कॉमनली सुना है कि अजवाइन से बोले गैसेस ठीक होता है, सो कोई भी माँ अजवाइन को चबा के वो बच्चे के मुंह में डाल देना, ये बहुत कॉमनली सुना है। गुटी जो बच्चा लेता है वही इम्यूनिटी में स्ट्रांग रहेगा, और गुटी ही बच्चे को मोटा करेगा, माँ के दूध से तो कभी बच्चा मोटा हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट यही मिसकंसेप्ट है कि मोटा ही बच्चा चाहिए, बट ये एक मैंने बहुत कॉमनली सुना है। चौथा चीज जो मैंने बहुत कॉमनली सुना है इस काजल, और पांचवा चीज जो मैंने बहुत कॉमनली सुना है सुवर्ण प्राशन। सो
हम लोग एक एक क्वेश्चन को एट वन टाइम बिंगो हिट करेंगे. सो मैम ये सारे क्वेश्चंस बाद में, बट पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको कहाँ पे लगता है कि जहाँ पे आप बोलते हो कि आयुर्वेदा ये कस्टमाइज साइंस है, क्या आयुर्वेदा को यहाँ पे मिसअंडरस्टूड किया गया है, ऐसा आपको कहीं पे लगता है एज ए डॉक्टर? हाँ ये बहुत बार ऐसे होता है कि ये कस्टमाइज साइंस नहीं सोचा जाता और वो जनरलाइज साइंस सोचा जाता है. बहुत बार ऐसे है कि कुछ हद तक वो जनरलाइज है. जैसे अगर हम रसायन चिकित्सा करें, मतलब डेली च्यवनप्राश दे रहे हैं या फिर शतावरी कल्प दे रहे हैं, हल्दी का दूध दे रहे हैं, तो ये आप सभी बच्चों को दे सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है. लेकिन कभी जैसे आपने अभी बताया कि अजवाइन सभी को सूट होगा, ऐसे नहीं. अगर अजवाइन आप पित्त वाले बच्चे को दे रहे हैं तो उसे थोड़ा हीट हो सकता है, तो कम क्वांटिटी में आप उसको, अगर पेट दर्द हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो दे सकते हैं. लेकिन कफ वाले प्रकृति के और वात प्रकृति के बच्चों को आप अजवाइन दे सकते हो ज़्यादा प्रमाण में, मतलब जैसे हाफ स्पून उतना आप उसको खाने को दे सकते हो. पित्त वालों को थोड़ा सा कम प्रमाण में देना होगा. उनकी क्वालिटीज़ किस प्रकार की है बच्चे की, मतलब स्वभाव, जो शरीर का स्वभाव है, उस हिसाब से उनको मेडिसिन देनी है, तो वो कस्टमाइज है. लेकिन अगर जनरलाइज देना है तो उसमें आयुर्वेद में ये भी बात बताई हुई है कि आप डेली दिनचर्या कैसे फॉलो करनी है, या फिर च्यवनप्राश देना है, या फिर हल्दी वाला दूध आप दे सकते हैं, खाने में कौन सी चीज़ें रखनी है. जैसे घी का यूज़ जो घर पर बनता है, ट्रेडिशनल तरीके से घी बनता है, उसका आयुर्वेदा में बहुत इंपॉर्टेंस है. सो आयुर्वेदा कहती है कि घी खाने से फैट नहीं बढ़ेगा, पर आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में जो घी मिलता है वो लाके जब भी बहुत सारा खाते हैं या खिलाते हैं ना, उससे तो मोटापा आ जाता है, बिकॉज उसका बनाने का प्रोसेस बहुत अलग है. सो ये हो गई बात है कि आयुर्वेदा. मैम जैसे आप बोल रहे हो कि प्रकृति के हिसाब से, तो क्या एज अ मदर मैं मेरे बच्चे का प्रकृति समझ सकती हूँ, या मुझे एक बार किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके एक्चुअली मेरे बच्चे का जो टाइप है वो समझ के लेना कैन बी बेनिफिशियल किसी भी माँ के लिए, आपको क्या लगता है? एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके अगर एग्जामिनेशन ऑफ उस चाइल्ड का किया जाए तो वो बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उनको पूरे सभी पॉइंट्स पता होंगे कि किस प्रकार से आप उनको रेकमेंड कर सकोगे कि डाइट में आपको कैसे रखना है, या आप एक्सरसाइज कौन सी करनी है. वात वाले बच्चे को बहुत ज़्यादा हिलना डुलने वाली एक्सरसाइज नहीं, उसको मेडिटेशन पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, या फिर उसको त्राटक करना होगा, हम आगे में देखेंगे. मेमोरी अगर शार्प करनी है तो किस प्रकार से लेना है, तो ये सभी चीज़ें जो है, एक्सरसाइज और डाइट अगर ठीक से फॉलो करना हो तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से एक बार मिल के उस बच्चे की प्रकृति जान के उस हिसाब से लाइफस्टाइल उसकी बना सकते हैं. यहाँ पे एक बहुत कमाल का हिच है जो मैम की बोलने में आया. मैम ने क्या बोला, कौन से स्पोर्ट्स में वो बच्चा अच्छा करेगा और चाइल्ड विल बी एबल टू डू बेस्ट, ये भी आपको इनडायरेक्टली पता चलेगा. सो पित्त वाले बच्चे को अगर मैं चेस में डालूँ एंड कंपेरेटिवली उसको बैडमिंटन, लॉन टेनिस, स्केटिंग, स्विमिंग ऐसे गेम्स में डालूँ, सो माइट बी वो बच्चा वहाँ पे बहुत अच्छा करेगा, बिकॉज वो बच्चे के अंदर उतना एनर्जी है. और हम लोग यहाँ पे ना जनरलाइज कर देते हैं कि मैंने चेस खेला है तो मेरे बच्चे ने भी चेस खेलना है. नो, माइट बी नहीं भी खेल सकता है बच्चा. सो ही क्वालिटीज जान लो और उस हिसाब से उसको फील्ड चूज करने में हेल्प होगी 100%. और ये दोनों वे में हेल्प करूँगा, बच्चा भी बेस्ट दे पाएगा और आप भी एज अ पेरेंट रिजल्ट देख पाओगे. यस, सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड फॉर श्योर. सो मैम आप एज अ डॉक्टर जो बोले कि बच्चे को एक बार किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो आप लेके चले जाओ, कौन सा राइट एज हो सकता है जब भी हम लोग बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए आयुर्वेदिक अंडरस्टैंडिंग के लिए? अच्छा, ऐसे कुछ नहीं है स्पेसिफिक, आप कौन से भी बच्चा? कौन से भी बच्चे को लेके जा सकते हो, क्योंकि मम्मा को पता होता है उसकी पूरी हलचल. अगर छोटा, एकदम छोटा भी बच्चा है तो भी कितने टाइम सो रहा है, या उसकी मूवमेंट्स कितनी है, या फिर कितने बार रो रहा है, भूख लग रही है इसलिए रो रहा है, या पेट दर्द हो रहा है, तो इस हिसाब से आप एकदम छोटे बच्चे से लेके 16 साल के बच्चे तक कभी भी लेके जा सकते हो. पूरा डिटेल एग्जामिनेशन करके आयुर्वेदिक डॉक्टर उनको प्रकृति बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट्स. हम लोग वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, वैसे ही प्रॉब्ली आपका एक विजिट प्लान हो सकता है फर्स्ट 40 डेज में. बहुत सारे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं ये बच्चा बहुत सोता है, ये बच्चा तो पीता ही नहीं है, ये बच्चा 5 मिनट में ही ब्रेस्ट फीडिंग खत्म कर देता है. इनफैक्ट मैम ने जो अभी बोला, अगर हम लोग वो समझ ले तो हमें अपने बच्चे को समझना बहुत आसान हो जाएगा. ये मेरे बच्चे का स्टाइल है और मम्मा की उससे फिर ज्यादा चिड़चिड़ भी नहीं होगी,
वो सेटिस्फाइड रहेगी कि हाँ इस प्रकार की क्वालिटीज मेरे बच्चे में है, पापा पे गए हैं, मम्मा पे गए, फिक्स हो जाएगा. सो वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट. मैम दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. अब एक सब क्वेश्चंस पे जाता है मैम, ऐसी कौन सी कॉमन चीजें हैं, उसको बीमारियां रादर नहीं बोल सकते, इलनेस बोल सकते हैं, या वेदर चेंजेस की वजह से बच्चों में जो दिखाई देती है, ऐसी कौन सी चीज है जहाँ पे आपको लगता है कि आयुर्वेदा कैन प्ले अ बिग रोल? जैसे एग्जांपल से हम लोग शुरू करते हैं, सर्दी खांसी अगर किसी को बहुत हो रहा है तो क्या यहाँ पे आयुर्वेदा हेल्प करेगा और हम कोई होम रेमेडी कर सकते हैं? ओके, अगर सर्दी खांसी है तो उसमें हम बहुत सारे होम रेमेडीज कर सकते हैं. एक्चुअली वेखंड की पाउडर है, या सौंठ की पाउडर है, या फिर हल्दी, ये मिक्स करके आप उसका लेप लगा सकते हैं सिर के ऊपर, या फिर नाक के ऊपर, या पैरों के तलवों. अब बहुत छोटा बेबी है तो आप छाती पे उसको सिर्फ चूरन को घिस ले, या फिर पैरों के तलवों को, हाथों के तलवों को अगर घिसते हैं तो कफ कम हो जाता है. दूसरा अजवाइन की पोटली, आपको सभी को पता है ट्रेडिशनल मेथड है, पोटली बना के तवे पे गरम करके उसकी सिकाई छाती के ऊपर या साइनसेस जो है वहाँ पे आपको उसकी सिकाई करनी है, उससे हो जाता है. दूध और हल्दी, ये तो ये भी सभी को पता है. ठीक है, उसके बाद अगर उसको खांसी भी है, मतलब ड्राई वाली खांसी अगर है, तो आयुर्वेद में बताया है कि तिल का तेल जो है उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसको गर्म करना है, और वो गर्म करने के बाद पूरा चेस्ट को और पीट को, हाँ थोड़ा सा वार्म चेस्ट को और पीट को आपको लगाना है, जिससे वो जो कफ जल्दी से नहीं निकल पा रहा है, ड्राई कफ है, तो वो बाहर निकलने में हेल्प हो जाती है. काले मुनक्के हैं जो ड्राई कफ के लिए और अच्छे हैं. ठीक है, उसके बाद लौंग है. लौंग भी आपको कैसे, उसको पूरा भून के ब्लैक करना है उसकी ऐश, और उसके बाद उसको बारीक करके उसमें शहद मिक्स करके उसका चाटन आप उसको दे सकते हो, उससे भी ड्राई भी कफ वाली खांसी और प्रोडक्टिव कफ वाली खांसी भी निकल जाती है. अमेजिंग, ये तो पूरा खजाना मिल गया आप लोगों को. बाय द वे ऑल ऑफ यू, मैम मैं बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ, जब भी मेरे बच्चे का सर्दी खांसी हुआ छोटा था, तो मुझे एलोपैथिक डॉक्टर ने बोला था कि वो वेखंड लोग घर वाले बोलते हैं सिर पे लगा दो, कभी मत लगाना, वो पाउडर आँखों में चले जाएगी तो बच्चे की आँखें खराब हो जाएगी. बहुत ऑनेस्टली भी मैम ने बोला, हम लोग को किसी भी साइंस को फाइट करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर. अगर आप एज अ पेरेंट सारे साइंस पर ट्रस्ट करते हो, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ आयुर्वेदा है, सिर्फ एलोपैथी, यहाँ पे लगाने में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो मैम ने बहुत ईजिली बोला हाथ पाँव के तलवों पर लगा दो, चेस्ट पे लगा दो, वहाँ पे तो आँखों का कोई रोल नहीं है. और जो अंदर देने वाली चीज़ है वो ऑब्वियसली हम लोग 6 महीने बाद, जैसे बच्चा सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन करता है, पहले ब्रेस्ट मिल्क है, बट दैट कैन हेल्प बिग टाइम. और अंदर देने वाली चीज़ें भी हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे पता है? कैसे मैम? जैसे मम्मा को देना है मेडिसिन, मम्मा को देने से ब्रेस्ट मिल्क में से आ जाएगा और बेबी का सर्दी खांसी भी चला जाएगा. ओके मैम, कुछ एग्जांपल्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग था. सो ब्रेस्ट फीडिंग मदर क्या ले सकती है जिससे बच्चे की सर्दी खांसी में हेल्प होगा? ओके, ब्रेस्ट फीडिंग मदर सीतोपलादी चूर्ण ले सकती है. यस, ये बहुत कॉमनली आपको मिलेगा मेडिकल स्टोर्स में, सीतोपलादी चूर्ण. यस, उसके बाद पीपल लहसुन ले सकती है. अगर कफ ज्यादा है बेबी को, प्रोडक्टिव कफ है, जैसे निमोनिया जैसे भी सिम्टम्स कभी कभी छोटे बेबी में दिखाई देते हैं, और हम अंदर दवाई तो नहीं दे पा रहे हैं, तो उस समय पे पीपल लहसुन करके भी एक लिक्विड है, वो हम उनको दे सकते हैं, मम्मा को लिक्विड पानी में मिक्स करके 2 स्पून, और वो ले सकते हैं दोनों टाइम खाना खाने के बाद. ये इजीली पेरेंट्स को इजीली मिल जाता है मेडिकल स्टोर, पीपल लहसुन. पीपल लहसुन वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बाय द वे जो भी टर्म्स मैम यूज कर रहे हैं, जिसको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगता, दीज आर अक्रॉस काउंटर वाली चीजों की बात हो रही है. सो मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट था. अब जाते हैं द सेकेंड बहुत कॉमन चीज जो बच्चों में देखा गया है, क्या हम लोग ऐसा कुछ देख सकते हैं कि आयुर्वेदा इम्यूनिटी में हेल्प करेगा? बिकॉज बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, एक सर्दी ठीक हुई नहीं तो वापस का बच्चा कैच कर लेता है, तो क्या कर सकता है? अच्छा, एक्चुअली बार बार अगर बीमार पड़ रहा है, या फिर सर्दी जुखाम बहुत बार हो रहा है, तो वो प्रकृति होती है, छोटे बच्चों में ऑलरेडी कफ की प्रधानता होती है, इस कारण उनको बार बार कफ होने वाली टेंडेंसी ही होती है. तो ये ना होने के लिए आप तो हल्दी वाला और दूध तो ले ही रहे, उसके साथ अगर स्ट्रांगली इम्यूनिटी उसकी बढ़ानी है तो सुवर्ण प्राशन जो है ये एक चीज़ है जो एकदम जैसे बाय बर्थ, जैसे बर्थ होने के बाद तुरंत हम उनको स्टार्ट कर सकते हैं, 16 ईयर्स ऑफ एज तक हम उसको देते हैं. ठीक है, तो मतलब सीजन चेंज वाली जो परेशानी है उसमें अगर
कोई बीमार पड़ रहा है या फिर उसकी शार्पनेस उसको बढ़ानी है, बच्चे की शार्पनेस उसके लिए, फिर डाइजेशन उसका ठीक रहे इसके लिए, स्किन कॉम्प्लेक्शन उससे सही होता है. सुवर्ण प्राशन एग्जैक्टली है कि सुवर्ण भस्म जो है उसके साथ कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन मिक्स की जाती है, गाय का शुद्ध गाय का घी और शहद, ये सभी मिक्स करके ये ड्रॉप्स के स्वरूप में छोटे बच्चों को और चाटन के स्वरूप में थोड़े से एक साल के आगे के बच्चों को हम देते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल ऑफ यू, मुझे पता है आपको बहुत सारे क्वेश्चन है सुवर्ण प्राशन को रिलेटेड, हम लोग बात करने वाले हैं उसके बारे में. अब हम नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉमन चीज देखा गया कि अगर बच्चों को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो क्या हम आयुर्वेदा के हिसाब से कोई किचन केयर या होम केयर कर सकते हैं? ओके. कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है मतलब मोशन ही नहीं हो रहा है, दो दो दिन चार चार दिन इस प्रकार से, ड्राइनेस अगर, और बच्चा बहुत टाइट पुश करने की कोशिश कर रहा है बट नहीं हो रहा, और इनफैक्ट गैसेस बहुत ज्यादा हो रहा है और कॉन्स्टिपेशन हो रहा है. ओके. सिंपल सी चीज जो है वो आपको पेट को तेल लगाना है. कौन सा तेल? कौन सा भी चलेगा, तिल का तेल अगर अवेलेबल है तो आप तिल का तेल लगा सकते हैं. उसके बाद उसकी सिकाई करनी है पेट की. ओके. ठीक है, वो अजवाइन पुटली से भी कर सकते हैं. अजवाइन पुटली भी चलेगी. ठीक है. दूसरी चीज जो है वो हींग जो है, हींग को पानी में मिक्स करके आप पेट को लगा सकते हैं उसका लेप, जिससे भी पेट दर्द कम होके गैसेस इजीली पास हो जाते हैं. ऑब्स्ट्रक्शन जो रह गया है अंदर में वो अगर चला जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, मोशन पास हो जाएगी. ठीक है. तीसरी चीज जो है वो अगर थोड़ा बेबी बड़ा है मतलब 2-3 साल का है तो उसमें हम काले मुनक्के जो है सुबह में भिगो के रात को सोते वक्त उसको दे सकते हैं, जो फाइबर डाइट भी है, हीमोग्लोबिन भी बढ़ाएगा, पेट भी साफ करेगा और भूख भी बढ़ाएगा. ठीक है. और उस 4-5 काले मुनक्के चल जाएंगे उनको, उनको भिगोने हैं सुबह में और रात को उसको खाने में देने. ठीक है, सोते वक्त. और जो बच्चा थोड़ा बहुत नाटक करता है उनको आप चम्मच से भी वो बहुत इजीली स्मैश हो जाता है. हाँ. या फिर मिक्सर में घुमा लो, उसको जूस जैसे दे दो. हाँ, वो भी बच्चा ले लेता है. सो डोंट वरी कि बाबा ये मेरा बच्चा कैसे लेगा. सो मैम, आपने अभी जो रेमेडीज बताया वो कॉलिक के लिए भी काम करेगी. हाँ, और कॉन्स्टिपेशन के लिए भी हेल्प करेगी. और दूसरी चीज है गाय का दूध, रात को अगर आप उनको दे रहे हैं तो 1 चम्मच गाय का घी और दूध ये मिक्स करके भी आप सोते वक्त दे सकते हैं. बच्चा अगर दूध नहीं ले रहा है तो गर्म पानी के साथ घी या जो है वो आपको दे सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये गाय का घी जो बात हो रही है वो ट्रेडिशनली मेड गाय का घी है, मतलब दूध का मलाई, मलाई का दही, दही का मक्खन, मक्खन का घी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज लोग गाय का घी कमर्शियली जो लेके आते हैं इट्स मलाई, मलाई का घी, बीच के 3 स्टेप गायब है. वो नहीं हम लोग यहाँ पे बात कर रहे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए. मैम, आप मोशन के बारे में कुछ बता रहे थे. तो जो मैंने अभी रेमेडी बताई वो आप अगर यूज करते हैं तो और हेल्पफुल रहेगा कि कॉन्स्टिपेशन ना हो. दूसरी और एक चीज है कि मोशन के जगह पे अगर ड्राइनेस है तो वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाली प्रोसेस नहीं होगी ना. राइट. अगर स्पेसिफिकली वात प्रकृति का बच्चा होगा, ठीक है, तो वहां पे भी आप गाय का घी अगर लगाए या फिर तेल, तिल का तेल भी लगाए तो वहां पे सॉफ्टनेस रहेगा, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में थोड़ा सा हेल्प होगा. वेरी इंपॉर्टेंट. मैम, शायद आप डांटोगे इस बात के लिए बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा. तिल का तेल बहुत गर्म होता है इसलिए यूज नहीं करना है. कुछ भी करे तो भी गर्म होता है. बच्चे को मतलब माँ ने कुछ खाया गर्म होता है, बच्चे को कुछ दिया गर्म होता है. ये एक उष्ण प्रकृति या उष्ण प्रवृत्ति का खान अनाज होता है. ये बहुत कॉमनली सुनने में आता है, जैसे प्रेगनेंसी में लोग बोलते हैं ये मत खाओ गर्म हो जाएगा, ये मत खाओ गर्म हो जाएगा. वैसे क्या बच्चे के लिए भी कोई चीज़ है जो गर्मी दे सकती है? जैसे आप तिल का तेल बहुत कॉमनली बोल रहे हो, सो क्या वो गर्म करेगा मेरे बच्चे को या नहीं करेगा? एक्चुअली तिल का तेल से भी ज़्यादा कुछ गर्म चीज़ें है जो आपको, मतलब अगर आपको लग रहा है कि तिल का तेल ही बहुत गर्म है तो ऐसे नहीं है. सरसों का तेल और गर्म है तो okay. तिल का तेल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. और आयुर्वेद में बताया है कि तिल का तेल ये सर्वश्रेष्ठ बताया है, सभी प्रकृतियों को चलता है. अगर पित्त प्रकृति वाला है तो कम प्रमाण में यूज करना है. और वैसे भी हम उसको खाने को नहीं दे रहे, लगाने के लिए दे रहे हैं. अगर चेस्ट को लगाने के लिए दे रहे हैं, खाने में तो हम नहीं यूज कर रहे हैं तो ले सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड मैम, एक बहुत कॉमन इश्यू पाया गया है कि बच्चा सोता नहीं है. बाय द वे, मैं एज अ ब्रेस्ट फीडिंग कंसल्टेंट जो मैंने समझा है कि बच्चे नहीं सोते हैं, दूध के लिए उठते हैं. दिस इज कॉमन बट कई बार लोगों के सजेशन सुन सुन के माँ को ऐसा लगता है दुनिया में सिर्फ मेरा ही बच्चा है जो नहीं सो रहा है. सो कुछ लोग आयुर्वेदी को जैसे जनरलाइज बना देते हैं, जायफल या नटमेग. सो मुझे रिसेंटली किसी ने बोला कि माँ के दूध में बहुत सारा नटमेग घिस के दे दो तो
तो बच्चा पूरी रात उठेगा ही नहीं, वो सोते रह जाएगा. इट्स लाइक अ स्लीप रेमेडी. नहीं बहुत ज्यादा नहीं घिसना है कि वो सो जाए इतना, लेकिन एक जैसे गुटी जो अगर आप बोल रहे हैं तो गुटी में इस प्रकार से हम मेडिसिन जब प्रिस्क्राइब करते हैं तो बताते हैं कि हर महीने जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ हो रही है तो एक एक जो सर्कल है वो बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा घिस के नहीं देना है. एक एक ही सर्कल. हाँ ओके. ऑल ऑफ यू गुटी को थोड़ा सा टच करता है. गुटी का एक्सप्लेनेशन जो मैंने पढ़ा है मेरे एज ए लैक्टेशन कंसल्टेंट की पढ़ाई में, वो ऐसा था कि आप एक साफ पत्थर जिसको सहान बोलते हैं मराठी में, सो इट्स अ प्रॉपर रॉक विच इज फ्लैट एंड अ गुड ऑन सरफेस, जिसका कोई खुद का मिट्टी बाहर नहीं निकल रहा है, ऐसा रॉक. और उसके ऊपर आप माँ का दूध डालते हो और उसमें बादाम अच्छे से साफ से धोया हुआ एक बार घुमाना, फिर से अखरोट लिया वो एक बार, खारिक मतलब ड्राई डेट्स लिया वो, जायफल या नटमेग लिया वो, हल्दी वो एक बार. सो ये मैंने सुना था और इसका चाटन से बच्चे को चटाना है. नाउ मैम मेरे ही फैमिली में ऐसे मेंबर्स हैं जो एक महीने के बच्चे को दो पूरे बादाम. अरे बाप रे, बहुत ज्यादा हो जाएगा उसको. नहीं नहीं हुआ नहीं मैम, एक अखरोट अभी तक नहीं हुआ, आधा ड्राई डेट. एवरी डे वंस बच्चे को चाटन चटाते हैं, दे सेड इसी से बच्चा मोटा होता है. सो आई हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. जो मैंने स्टार्टिंग में घुटी का बताया कि आप एक एक बार घुमाओ, सो घुटी के घुमाने से दूध गाढ़ा होना चाहिए कोई टारगेट ही नहीं है. सो वो किया, फिर दूसरे महीने में दो दो बार घुमाया, तीसरे महीने में तीन तीन बार घुमाया, फिर ये माँ के दूध में किया. क्या ये देने से ही बच्चा मोटा होगा? नहीं, मम्मा का दूध भी देना है ना बराबर. और अगर घुटी से ही थोड़ी ना होने वाला है, वेरी और वो एक एज अ मेडिसिन हम दे रहे हैं, वो एस सप्लीमेंट करके है, ना कि वो पूरा डाइट मोटा करने के लिए. मैम अगर मैं ऐसी मम्मा हूँ जिसने घुटी नहीं दिया लाइफ में, नहीं दिया, माइट बी मैं नहीं बिलीव करती उसके ऊपर, मैंने सिर्फ माँ का दूध अच्छे से दिया और मैंने मेरे बच्चों को 6 महीने बाद घुटी दिया, बहुत ऑनेस्टली बिकॉज बहुत रिस्पेक्ट है मेरा कोई भी साइंस की तरफ, और मेरा दूध बहुत अच्छे से आ रहा था, तो 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करके फिर मैंने घुटी चालू किया. तो क्या जो मदर्स घुटी नहीं देती है उनके बच्चों का इम्यूनिटी हमेशा कम रहता है? ऐसा कोई नहीं, ऐसे कुछ नहीं है. एक्चुअली आप दे सकते हो फर्स्ट मंथ से ही आप दे सकते हो, लेकिन अगर नहीं दे रहे हैं तो बहुत नुकसान हो गया है, इस प्रकार का नहीं है. हम उसको डाइट के हिसाब से उसमें शिफ्ट कर सकते हैं कि वो न्यूट्रिशियस रहे. सुपर. और मैम ने जो अभी बोला कि मैम मैंने जो किया कि मैंने 6 महीने बाद घुटी शुरू किया और मैंने एक्चुअली 2 साल तक दिया और मेरे बच्चे भी उसको बहुत पसंद से खाते थे, मैंने उसके रिजल्ट देखे हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे बच्चे बहुत कम बीमार पड़ते हैं, उनका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, वेदर चेंजेस को भी उन्होंने बहुत अच्छे से लिया. और उसका मैं बहुत सारा क्रेडिट एक मॉडर्न न्यूट्रिशन को देती हूँ जो मैं डाइट में फॉलो करती थी, और एक आयुर्वेदा को देती हूँ जहाँ पर मुझे घुटी ने बहुत हेल्प किया है. तो मैं घुटी वैसे बहुत हेल्प क्यों करती है? एक्चुअली मार्केट में जो घुटी मिलती है वो 3 टाइप में है, जैसे कुछ सिरप बेस है जिसमें सभी एक साथ मिक्स किया हुआ है, राइट. कुछ पाउडर बेस्ड में सिर्फ उसमें दूध मिक्स करो और दे दो, या फिर कुछ जो है वो रॉक जैसे रॉ मटेरियल घिस के देने वाले हैं. तो घिस के देने वाले में बेनिफिट ये रहता है कि अगर कुछ भी कंप्लेंट बेबी में अलग से दिखाई दे रही है तो उसका एक और टर्न लेना है. एग्जाम्पल ठीक है, मतलब अगर सर्दी खांसी हो गई है तो आप उसको वेखंड का जो टर्न होता है वो दो कर दो, या फिर हल्दी का टर्न है वो 2 कर दो, या फिर पिपली भी उसमें होती है तो वो पिपली का टर्न 2 कर दो. तो ये एज अ एंटीबायोटिक ही काम कर लेता है, आपको मॉडर्न साइंस के पास जाके उसको अलग से एंटीबायोटिक्स खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, सर्दी खांसी उसी में हो गई. आप रोज रोज उसको देना जो है उसमें महीने के अनुसार एक टर्न ही देना है, लेकिन अगर कुछ लग रहा है कि अगर कॉन्स्टिपेशन लग रहा है तो हिरडा वाली गुटी जो है वो 2 टर्न कर ली इस प्रकार से, सूट वाली, या फिर अगर उसको ये हो रहा है लूज मोशंस हो रहे हैं तो लूज मोशंस के हिसाब से उसमें बहुत सारे ऐसे अलग से डिब्बा मिलता है कि जिसमें बहुत बाकी के भी मेडिसिंस होते हैं जो उस हिसाब से आपको देने हैं, मतलब लूज मोशंस में कूड़ा साल है, या फिर खांसी अगर है तो ज्येष्ठ मध जो है वो अलग से है, पिंपली है, या फिर अतिविषा करके एक छोटी सा उसका भी एक वेढ़ा अलग से दे सकते हैं, इस प्रकार से है. सुपर. मैम नेक्स्ट बहुत एक कॉमन कंप्लेंट बच्चों के केस में दिखाई देता है, बच्चे का वजन ही नहीं बढ़ रहा है. यस. तो यहाँ पे आयुर्वेदा की कुछ होम रेमेडीज काम कर सकती है क्या?
बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, इसके लिए हम ये देख सकते हैं कि उसकी प्रकृति कौन सी है। वापस मैं वहाँ पे आ गई, क्योंकि वात प्रकृति वाले बच्चे को कितना भी खिलाओगे आप, वो दुबला पतला ही दिखेगा, जैसे हम दोनों अभी दिख रहे हैं शायद। Yes, we both क्योंकि वात प्रकृति के जो बच्चे हैं उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कितना भी खा ले, लेकिन स्ट्रेंथ अच्छी है, ऐसे नहीं है कि वो स्ट्रेंथ में कम पड़ रहे हैं। इतना अगर एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब आप ऑब्वियसली समझ पा रहे होंगे कि उनकी स्ट्रेंथ उतनी अच्छी है। और दूसरी चीज़ प्रकृति के हिसाब से हो गई, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा खाने को दे रहे, लेकिन उनका डाइजेशन भी सही है कि नहीं, वो देखना है ना। अगर बादाम अखरोट काजू आप उसको बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन उसका डाइजेशन ही अगर सही नहीं रहेगा, तो फिर वो कैसे वजन में कैसे दिखाई देगा। तीसरी चीज़ और एक है कि उसको अगर वर्म्स हो गए तो भी उसका वजन नहीं बढ़ेगा। तो वर्म्स हुए हैं ये कैसे जानोगे, आपको पता है? नो आइडिया। आई थिंक पॉटी में स्मेल, पॉटी में स्मेल बोल सकते हैं। रात में बच्चा सुसु कर देता है, अगर ये रेनी सीजन छोड़ के भी, हाँ, या समर है या फिर विंटर है, तो भी रात में बेड वेटिंग जो है वो दिखाई देता है। उसके बाद उसको बार बार सर्दी खांसी होती रहती है, सर्दी ज़्यादातर, नाक को खुजलाएगा या मोशन की जगह पे खुजली आएगी। वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये सभी चीज़ों से हमें, और पेट दर्द कभी कभी बोलता रहता है, बीच बीच में बोलेगा ही कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो ये सब कृमियों के लक्षण है। मैम ये कब से यूजुअली पेट में जो जंत होना बोलते हैं, कौन से एज से दिखाई देता है? ये जैसे हम ऊपर का खाना देने को चालू करते हैं, उसके बाद दिखाई देना चालू हो जाता है, मतलब एक 3-4 साल के बाद। आगे में आप देख सकते हो 17-18 साल के बच्चों तक भी। ओ, मतलब 6 महीने से लेके 18 साल तक दिखाई दे सकता है। एक्सट्रीमली कॉमन, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, एक बहुत कॉमनली अदर कंप्लेंट जो हम लोग को बच्चों को लेके आती है कि बच्चा बहुत टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है, स्पेशली सोने के लिए या बिहेवियर में। क्या बिहेवियर या साइकोलॉजिकल चीज़ों के लिए भी आयुर्वेदा हेल्प कर सकता है? यस, आयुर्वेद के साथ अगर योग रहे, योगा थेरेपी, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये और हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन, योगा और आयुर्वेद ये तीनों साथ में चले तो वो आगे में और हेल्पफुल ज़्यादा रहेगा। ये तीनों भी इंडियन नॉलेज सिस्टम में जुड़े हुए हैं, और ये आगे में जैसे लाइफस्टाइल चेंज करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा बेबी है तो उसके लिए हमें ये करना है कि, मतलब उसके साथ मम्मा को भी करना होगा थोड़ा सा मेडिटेशन, ओमकार प्राणायाम या फिर त्राटक करना है। उसके साथ बैठ के आपको जो घी वाला दिया लगा है उसके ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है, दोनों को गेम खेलना है। Lovely. कि जिसकी आंखें पहले नीचे आ जाएंगी वो हार गया। वापस ट्राई करना। तो ये वाला अगर करते तो बच्चों को एक जगह पे बैठने की आदत होती है इससे, और फिर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने में हेल्प भी होगा, थोड़ा सा काम नेचर भी होगा क्योंकि वो त्राटक कर रहा है। तीसरी और एक चीज़ ये है कि अगर बच्चा सोने के बाद हम उसके पीछे वाले हिस्से पे अगर कुछ पॉजिटिव वाइब्स डालें, मतलब ये बोलना है जैसे उसमें जो भी निगेटिव पॉइंट्स है वो आपको दूर करने हैं, ठीक है? अभी हमें नहीं पता वो अगर चंचल है या फिर बहुत मस्ती कर रहा है या फिर कुछ चीज़ें निगेटिव पॉइंट्स में है, तो उसे अगर हमें कम करना है तो क्यों, ये इसका, इसके पीछे भी एक साइंस है कि जो हमारा सेरिब्रम होता है वो कॉन्शियस माइंड है। जैसे पूरा शरीर सो गया है लेकिन वो जगा हुआ है। तो आप अगर उसको बोल रहे बेटा ऐसे नहीं करना है, आप थोड़ा सा शांत हो जाओ, बहुत प्यार से सबसे बात करनी है, इसका असर पड़ता है श्रेया, क्योंकि अगर ये आप रोज करोगे ना तो इसका असर बिल्कुल पड़ता है। 100% ऑल ऑफ यू। मैम ने अभी जो बोला, ये एक सबकॉन्शियस स्टॉक हम लोग जिसको बोलते हैं, इसको आप बच्चे के लिए आराम से, मैं 14 साल तक यूज़ करती हूँ एंड इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल, अपने लिए भी यूज़ करता है। आप कौन से थॉट के साथ सोते हो और बच्चा सोने के बाद आप उसको कौन से थॉट देते हो, ये आपका रिलीजियस प्रेयर हो सकता है, ये कोई चांट हो सकता है, ये बच्चे के लिए कोई पॉजिटिव विश हो सकता है, और ये बच्चे के लिए वैसी चीज़ें हो सकती है जो उनको लाइफ में हमेशा काम लाएंगे। सो दैट्स वेरी वेरी गुड। सो बाय द वे, हम लोगों ने घुटी के बारे में बहुत अच्छे से जाना, हम लोगों ने होम केयर के बारे में बहुत अच्छे से जाना। अब एक ऐसा क्वेश्चन जो आप सब लोगों के दिल में बहुत दिनों से है, मैम क्या बच्चों को सुवर्ण प्राशन देना चाहिए?
यस ऑफ कोर्स देना चाहिए. जैसे हम वैक्सीनेशन देते हैं बेबी को, जैसे बताया हुआ है वो चार्ट लिखा हुआ रहता है फाइल के ऊपर, उस हिसाब से हम उनको लेके जाते हैं. वैसे ही आयुर्वेद में हर एक पुष्य नक्षत्र के दिन, 28 दिन के बाद पुष्य नक्षत्र आता है, उस दिन सुवर्ण प्राशन देना चाहिए. वो भी आयुर्वेदिक तरीके से बनाया हुआ, ना कि बाजार से लाया हुआ जो है, या फिर मार्केट, ये लोकली डोर पे भी लोग आते हैं सुवर्ण प्राशन देने के लिए. नहीं, एक्चुअली ऑथेंटिक पद्धति से अगर बनाया हुआ, आयुर्वेदिक डॉक्टर से बनाया हुआ अगर लेते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है उसके. बेबी बच्चा जल्दी जल्दी बीमारी नहीं पड़ता है, या फिर उसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, शार्प मेमोरी हो जाती है. और ये सभी मतलब रिकॉर्डेड डेटा भी है हमारे पास कि सुवर्ण प्राशन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स है. पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, मतलब उनकी मम्मा लेके आती है बेबियों को, तो उस समय पे वो बताते हैं कि इस बार ऐसे लगा है कि 3-4 महीने से बेबी ज़्यादा बीमार नहीं पड़ा, पहले बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता था. सुपर. बट मैम, इतने सुवर्ण प्राशन भी कस्टमाइज हो सकता है उस बच्चे के लिए, उस सुवर्ण प्राशन में कुछ चेंजेस होता है? हाँ, कर सकते हैं. अगर स्पेशल चाइल्ड हो तो हम उसके लिए अलग से कर सकते हैं, या फिर जनरलाइज्ड जो ग्रंथ में बताए हुए है सुवर्ण प्राशन कैसे बनाना है, उस हिसाब से आयुर्वेदिक डॉक्टर ने अगर बनाया हुआ है तो वो ही सुवर्ण प्राशन हम सभी लोग बच्चों को दे सकते हैं. लेकिन कुछ स्पेशल केस हो अगर, तो उसमें अलग से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैम, मार्केट में भी कुछ कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे रेडी सुवर्ण प्राशन, मस्ट गिव सुवर्ण प्राशन, रेडी गुटी, जैसे हम लोगों ने बात किया लिक्विड फॉर्म में. इन सब का जब इंग्रेडिएंट्स पड़े गए, उसमें शुगर इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट, जहाँ पे हम लोग शुगर नहीं देते हैं बच्चों को. और कंपेरेटिवली मैंने जब भी किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात किया, उनके बात करने में कभी नहीं आया कि वो लोग शुगर इंटेंशनली ऐड कर रहे हैं चीज़ों में. तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वो सुवर्ण प्राशन भी अगर मार्केट ब्रेस्ड ना ले एंड कंपेरेटिवली किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास से ले, तो क्या एक्चुअली उसमें नहीं है शक्कर ऐसा कोई चीज़? नहीं, उसमें हनी है, शक्कर नहीं है. बट हनी में तो शक्कर होता है. प्योर फॉर्म वाली जो अगर हनी लेते हैं, हाँ, मार्केट वाली नहीं, जो जिसमें नीचे में पूरी शक्कर जमा हो गई है. हाँ. बहुत दिन के बाद हम जब देखते हैं बॉटल में, तो शक्कर चाशनी वाला जो फील आता है, वो उसी प्रकार का शहद नहीं होता. वो प्रॉपरली निकाला हुआ, जो मधुमक्खियों से बनाया हुआ जो शहद है, वो प्रॉपरली निकाला हुआ शहद आयुर्वेदिक डॉक्टर के यहाँ पे अवेलेबल होता है. तो वो शहद, सुवर्ण भस्म और कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, जैसे जो बुद्धि बढ़ाने वाली हैं, जैसे ज्येष्ठमध है, गुलवेल है, वेखंड है, और कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें, वो मिक्स करके उसमें गाय का घी और शहद, ये मिक्स करके हुआ एक चाटन होता है, वो दिया जाता है बच्चों को पुष्य नक्षत्र के दिन. पुष्य नक्षत्र ये क्यों? मैं ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपको. मुझे पता है कुछ तो भी इम्पोर्टेंट है. ओके, दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुवर्ण प्राशन, ओके बाय द वे, मैं एज अ पेरेंट जो समझी हूँ वो सिर्फ रिवाइज करता है कि सुवर्ण प्राशन बच्चे को दे सकते हैं, बट वो एक ऑथेंटिक तरीके से, ऑथेंटिक इंसान ने जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, और उसको उस बात का सिर्फ नॉलेज नहीं है, एक अथॉरिटी है. सी, मेरे लिए बहुत फ़र्क है. मेरी मदर को भी नॉलेज है सुवर्ण प्राशन का, बट उनको अथॉरिटी नहीं है सुवर्ण प्राशन घर पे बनाने का. सो इसीलिए किसी डॉक्टर के पास, अथॉरिटेटिव इंसान के पास जब ये जाके आप लोग ये चीज़ करते हो, तभी उसका इम्पोर्टेंस अलग है. सी, एक एलोपैथिक डॉक्टर ने उसमें पढ़ाई किया हुआ है, एज एन आयुर्वेदा डॉक्टर वो नहीं बोलेंगे कि उनका काम मैं कर सकती हूँ. और एग्जैक्टली सेम हर साइंस अपनी जगह पे जाता है. सो इसलिए बहुत सिंपल चीज़ है, अगर आप आयुर्वेदा पे ट्रस्ट करते हो, आपको सुवर्ण प्राशन देना है तो देना है कि नहीं देना है, ये दूसरा साइंस नहीं जज कर पाएगा, आयुर्वेदा ही जज कर पाएगा. बट ये पॉइंटर आपको याद रखना है. मैम, ये अपने स्पेसिफिक डे बताया, तो क्या ये हम लोग एक बार मैं आपके पास आ गई, मैंने आपके पास से ले लिया, मैं हर 20th डे खुदों के दे दूं, या प्रिफरेबली मुझे उस स्पेसिफिक दिन आपके पास आके लेना है, और उसी स्पेसिफिक दिन क्यों लेना है? अच्छा, पुष्य नक्षत्र ये शरीर को पुष्टि देने वाला है, इसीलिए पुष्य नक्षत्र, इसीलिए क्या है? ओके, पुष्टि मतलब, पुष्टि मतलब ताकत देने वाला, बल देने वाला, पूरे शरीर को, मन को भी बल देने वाला, इसीलिए वो बुद्धि को बढ़ाने वाला है. ठीक है, बुद्धि, स्मृति, मेधा, ये सभी चीजें बढ़ाने वाला है पुष्य नक्षत्र. बुद्धि, स्मृति, मेधा इज योर ऑरा, योर बीइंग, योर इंटेलिजेंस, देन मेमोरी पावर, सो आपका इम्यूनिटी. सो शी इज टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, फिटनेस, स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ शी इज टॉकिंग अबाउट. सो वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा.
तो इसी वजह से पुष्य नक्षत्र के दिन वो दिया जाता है, 28 दिन के बाद हर महीने पुष्य नक्षत्र आता है। अगर रिपीटेडली आप दे रहे हैं तो उसके ज़्यादा फायदे दिखते हैं, एक दिन या एक बार दिया है या दो बार दिया है तो इतना नहीं दिखेगा उसका, आपको कंटिन्यूएशन रखेंगे तो उसमें बिल्कुल बेनिफिट्स दिखाई देते हैं। सुपर मैम, मैं घर पे दे सकती हूँ कि प्रिफरेबली डॉक्टर के पास लेके जाऊं? प्रिफरेबली डॉक्टर के पास इसीलिए देना है, अगर जैसे कस्टमाइज हम बोल रहे हैं कुछ, अगर उसमें कोई दिख रहा है कि कुछ सिम्टम दिख रहा है तो उस हिसाब से उस चार्टन में हम और एक कुछ दवाई डाल के उनको दे सकते हैं बच्चों को। वेरी इम्पोर्टेंट। अब मैम, आयुर्वेदिक की दवाइयाँ टेस्ट में बहुत खराब होती है, तो क्या ये सच है? और फिर एक मिथ है कि पहले के ज़माने में ज़्यादातर चूर्ण और काढ़ा ये ज़्यादा दिया जाता था। हाँ, अभी जैसे रिसर्च आगे बढ़ रहा है तो हम भी आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं उस हिसाब से चल रहे हैं, मतलब उसके टैबलेट्स आ गए या फिर उसके कैप्सूल्स आ गए। चूर्ण हमें अगर मिक्स करके कुछ आपको देना है तो वो कैप्सूल फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। और छोटे बच्चों में अगर देना है तो शहद के साथ बच्चे खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। और उस हिसाब से ही मेडिसिन ग्रंथ में बताए हुए हैं कि जो बच्चा खा सके, ऐसे नहीं है कुछ कड़वा ही हम देंगे, लेकिन उसके साथ शहद मिक्स किया हुआ या फिर ज्येष्ठ मध उसके साथ है तो वो बच्चा खा लेता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती। वेरी इम्पोर्टेंट। मैम, आपने कोई ऐसा बच्चा देखा हुआ है कि जो दवाई पसंद से खाता है इसीलिए उसने? बहुत, सुवर्ण प्राशन के दिन तो बच्चे खास उसके लिए, कभी जाना है मम्मा हमें कौन सी डेट पे जाना है, अभी सुवर्ण प्राशन हमें खाना है तो आज आ गया क्या डेट, बहुत पूछते हैं सच में। वाओ, ये मैम ओके, यहाँ पे कुछ व्यूवर्स ऐसे रहेंगे जिनका बच्चा ऑलरेडी 3 साल का है या ऑलरेडी 4 साल का है, बट आपने बोला कि सुवर्ण प्राशन आइडियली 12, 13, 14 साल तक। हाँ, 16 साल तक, 16 साल तक देना चाहिए। बाल ये जो संकल्पना बताई है आयुर्वेद में वो जैसे बर्थ होने के बाद 16 साल तक बाल अवस्था बताई है। ओके, तो तब तक हम दे सकते हैं। तो क्या कोई मदर जिसका बच्चा 3 साल का है, 6 साल का है, अभी भी शुरू कर सकती है? हाँ बिल्कुल, उसको जन्म होने के तुरंत बाद सबसे पहले देंगे तो वो सुवर्ण प्राशन, इस प्रकार से हम एडवाइस करते हैं, ठीक है। माँ का दूध जाने से पहले भी बच्चे को सुवर्ण प्राशन देना है। सुवर्ण भस्म जो है, एक्चुअली सुवर्ण काम करता क्या है, तो वो आयोनाइजेशन होने के कारण उसमें एब्जॉर्प्शन पावर जो है वो बढ़ती है, ठीक है। और इम्यूनिटी और रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए सुवर्ण बहुत अच्छा काम करता है। ओके मैम, जो मॉडर्न साइंस में कहते हैं कि मेटल बच्चे का इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, तो फिर सुवर्ण भस्म कैसे काम करेगा? सुवर्ण भस्म में बहुत प्रोसेस की हुई है, वो मेटल रहता ही नहीं है, भस्म मतलब ऐश। तो मैम, मैंने जो सुना था कि बहुत एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग होता है वो सुवर्ण भस्म बनाने के लिए, जो निगेटिव नहीं है उसका पावर बढ़ाने के लिए वो किया जाता है। सो जिसमें काउडंग के जो प्रोसेसिंग होता है या हम लोग बोलते हैं हीट प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होता है और वो सब करके वो बनाया जाता है। ओके मैम, सुवर्ण भस्म जो मार्केट में मिलता है पैसे दे के खरीद के लेके आ गए तो? नहीं, लेकिन उसमें उसकी क्वांटिटी बहुत ही माइन्यूट फॉर्म में देनी है, आपको कैसे पता चलेगा कि कितना देना है? वेरी इम्पोर्टेंट। सिर्फ सुवर्ण भस्म नहीं है, हमें उसमें कुछ मेडिसिन डाल के उसको प्रोसेस करना है ताकि वो शरीर में एब्जॉर्ब हो पाए। ऐसे ही डायरेक्ट हम मेटल नहीं खाते हैं ना, उसी प्रकार से सिर्फ सुवर्ण भस्म नहीं खाना है, उसमें ऐसे मेडिसिन डाली जाती है कि जो आपको आगे में जाके शरीर में मेटल फॉर्म हो गया है इस प्रकार से वो रहता ही नहीं है, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है और उसका इफेक्ट दिखाता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे श्रेया बतानी है कि आप अगर पहले से ही अगर आपको ये सुवर्ण प्राशन के बारे में पता है तो आप बिफोर डिलीवरी 6 मंथ्स के की प्रेग्नेंट लेडी से सुवर्ण प्राशन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 6 मंथ में बेबी का बुद्धि तैयार होती है। यस, ब्रेन नर्चरिंग विल स्टार्ट एट दैट टाइम, षष्ठे बुद्धि ही। तो उन्होंने बताया है आयुर्वेद में कि 6 मंथ में बुद्धि का निर्माण जो है वो पूरी सब जो डेवलपमेंट है वो 6 मंथ से शुरू होती है। तो अगर कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप प्रेग्नेंट होते वक्त 6 मंथ में अगर सुवर्ण प्राशन शुरू करते हैं तो आगे में उसकी इम्यूनिटी और मतलब ये एक्सपीरियंस कुछ पेशेंट्स ने बताए हुए हैं उनका फर्स्ट बेबी और सेकेंड बेबी में क्या फ़र्क है। वाओ मैम, प्रेगनेंसी में भी वो एवरी 28th डे के साइकिल में ही लेंगे? प्रेगनेंसी में 6 नहीं, वो रोज़ लेंगे। अच्छा, प्रेगनेंसी में मदर हर रोज लेंगे, रोज लेंगे। बच्चों के लिए जो आपने बोला 28 डेज का साइकिल है। यस, दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ये सुवर्ण प्राशन का बेनिफिट मुझे नहीं पता था,
बट याद रखो ये सुवर्ण प्राशन मार्केट बेस्ड रेडी सुवर्ण प्राशन की बात नहीं चल रही है, कस्टमाइज हैंड्स। मैम हमारे बहुत सारे व्यूअर्स इंडिया में नहीं रहता, अगर उनको वहाँ पे सुवर्ण प्राशन चाहिए तो क्या कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर से वो यहाँ पे उनकी मदर या कोई बात करके लेके उनको अगर भेजता है तो क्या वो लोग भी साइंस का बेनिफिट ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। बस वेरी गुड। ओके मैम वन मोर क्वेश्चन, क्वांटिटी को लेके बहुत सारा गड़बड़ है कि जैसे कि आपने बोला मैं अगर डॉक्टर के पास जाती हूँ तो डॉक्टर ही मुझे गाइड करेंगे कि आपको कौन सी चीज़ कितने क्वांटिटी में लेनी है। सो माइट बी ये वजह है जिसके लिए आप बता रहे हो कि डॉक्टर के गाइडेंस के अंडर काम करो। यस यस, क्वांटिटी कितनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अभी बोला ना कि बहुत ज़्यादा अखरोट, पूरा 2 अखरोट और 2 बादाम वो इतने छोटे बच्चे को खिला रहे हैं। मैम बच्चा बहुत मोटा था लेकिन वो, और पेरेंट्स वेयर सो हैप्पी, ये देख 2 बादाम की वजह से क्या क्या हो गया, तेरा दूध तो कुछ काम ही नहीं करता। और वो माँ इतनी परेशान थी, बच्चे को उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा था। इंडाइजेशन ही होगा ना, जितना क्वांटिटी में शरीर में लेना है उतनी क्वांटिटी में गया नहीं, एक्सेस डोज हो गया ना, अजीर्ण हो जाएगा वो, तो कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाएगा बॉडी में। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैम वन मोर क्वेश्चन सुवर्ण प्राशन को लेके, बहुत कॉमनली मदर्स के दिल में आता है, अगर किसी ने सुवर्ण प्राशन मिस किया है तो मुझे इतना चीज़ समझ में आया कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस का जो फाइंड है उसको मिस कर रहे हो, बट देर आए दुरुस्त है जो आपने बोला, अगर लेट भी चालू करते 3-4-5 साल के आसपास, तो क्या मदर को बेनिफिट दिखाई देंगे? यस बिल्कुल दिखाई देंगे बेनिफिट्स, अगर नहीं सब पता चला है पहले लेकिन अभी से शुरुआत की है और कंसिस्टेंसी चालू है, अगर कंसिस्टेंटली ले रहे हैं तो बेनिफिट्स दिखते हैं। सुपर्ब। मैम पीरियड्स या प्यूबर्टी, क्या उस एज में भी ये सुवर्ण प्राशन या आयुर्वेदा हेल्प करेगा? सुवर्ण प्राशन अगर पहले दिया गया, हाँ, तो पहले दिया गया, हाँ, हेल्प करेगा बिल्कुल। और थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना होगा उनके प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब। हम लोगों ने इंटरव्यू जिस टॉपिक के साथ शुरू किया था हम लोग उसी टॉपिक पे आए हैं, दैट प्रकृति इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो ऑल ऑफ यू, मैम एक आखिरी क्वेश्चन है, रादर आखिरी 2 क्वेश्चन है, आई एम सॉरी फॉर दिस। सो पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चों में कुछ चीज़ें दिखाई है, जैसे मायदुजा के प्रोडक्ट में भी एक उट्टन है जो एक MD आयुर्वेदिक डॉक्टर ही हमारे लिए बनाता है। सो एक क्वेश्चन है कि बच्चों के नहाने का स्केड्यूल उनकी स्किन केयर में आयुर्वेदा के हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है? नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। ऑयल लगाना है, कौन सा? तिल का ऑयल चलेगा या फिर चंदन बला लाक्षादी तेल चलेगा, अगर बहुत छोटा बच्चा है तो चंदन बला लाक्षादी तेल लगाना, जो अभी उसमें समझ में आ रहा है कि बला ये ताकत देने वाला है, मसल पावर, आपका स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, ठीक है, मूवमेंट्स के लिए आपको वो डेवलपमेंट आगे आगे जो अच्छी दिखनी चाहिए उसके लिए हेल्प करेगा, जॉइंट्स को जो ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स है लॉन्ग बोन्स बढ़ाने के लिए वो मदद करेगा, और स्पेसिफिकली ड्राइनेस तो कम ही करेगा, ठीक है। तो वो पहले शुरुआत करते वक्त आपको नाभि में डालना है, तेल को हल्का गुनगुना करो थोड़ा सा गरम, जैसे उसको अच्छा सही से बहुत गरम, कोई और तेल भी अगर माँ यूज करे तो प्रिफरेबली यही सीक्वेंस, हाँ, नाभि में थोड़ा सा तेल, नाभि में थोड़ा सा तेल डाल के पेट को थोड़ा सा गोलाकार मसाज करो, मसाज करना है, उसके बाद पूरा जो मतलब ये है मसाज करते वक्त पेट के साइड में, मतलब सगळा डायरेक्शन त्याची जी आहे ती। सो बेसिकली मैम आप कहना चाहते हो कि मसाज शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स स्टमक, यस, सो हाथ का, चेस्ट का, थाइस का, यस, स्टमक के डायरेक्शन में मसाज जाना चाहिए, मसाज करना, क्यों मैम? ठीक है, ये इससे सर्कुलेशन जो है वो तो सही होने ही वाला है, लेकिन हमें मेनली स्नेहन और स्वेदन जैसे पंचकर्म में प्रोसेस बताई हुई है। बेसिकली मैम जो मैंने आपके एक्सप्लेनेशन से समझा है कि टूवर्ड्स स्टमक मसाज करने की वजह से बच्चे को जो भी चीज़ें बॉडी में हम लोग को नहीं रखनी है वो पॉटी के थ्रू या गैसेस के थ्रू बच्चा निकाल देगा, और बच्चा उसकी वजह से हेल्दी और पीसफुली सोएगा भी, खेलेगा भी, रहेगा भी, डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा। मैम मसाज कितने दिन तक करना चाहिए ऐसे बच्चे को? एटलीस्ट 1 साल तो करना ही है, आगे में अगर चालू रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद भी करना है अभ्यंग जो है, क्योंकि आयुर्वेद में बताया है कि अभ्यंगम आचरित नित्यम, उन्होंने कुछ एज नहीं बताया उसके लिए, आपको जितने दिन तक आप हो, जिंदा हो, तब तक आपको अभ्यंग करने के लिए बताया है। अगर थोड़ा सा मतलब टॉपिक को थोड़ा सा बाइफरकेट कर, यस व्हाई नॉट, डाइवर्ट कर दे तो चलेगा। अभ्यंगम आचरित नित्यम उसका क्या बताया बेनिफिट, स जरा श्रमो वाता, जरा मतलब आपका ओल्ड एज
रुकने के लिए, मतलब आप जल्दी एजिंग प्रोसेस ना हो। उसके बाद वात को कम करने वाला, मतलब आपके जॉइंट्स में से कटकट आवाज आ रही है, बोन्स स्ट्रांग नहीं है, मसल्स जो है उसका पावर इतना अच्छा नहीं है, स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, तो उसको सही करेगा। और उसके बाद दृष्टि प्रसाद पुष्टि आयु स्वप्न सु त्वक्त्व दाढ़ीयकृत। दृष्टि आपके आँखों के लिए अच्छा है, पैरों के तलवों को लगाते हैं तेल तो आँखें अच्छी होती है। ऐसे कुछ नस नहीं है वहाँ से, लेकिन तेज महाभूत को वो सही करता है पैरों को लगाने के बाद, तो आँखों को जो रोशनी है उसमें क्लियरिटी और ज़्यादा आती है। ठीक है, उसके बाद पुष्टि आयु, आयु को आयुवर्धन करने वाला अभ्यंग है। और रात को सोते वक्त अगर वो नींद उसकी अच्छी से रहे तो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। अभी के लोग भी, मतलब इस समय में भी ओल्ड एज में लोग नींद की गोलियां खा रहे हैं, उसके बदले अगर वो अभ्यंग करे सुबह में तो उससे नींद भी अच्छी आती है, जॉइंट्स तो आपके अच्छे रहेंगे। फ्रैक्चर वैक्चर होते हैं, लोग गिरते हैं, मतलब थोड़ा सा भी फिसल गए तो भी फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो वो सभी नहीं हो पाएगा, फ्रैक्चर्स नहीं होंगे, आपको नींद अच्छी से लगेगी, आपकी आंखें अच्छी रहेंगी। सो मैम, ब्रॉडली अभी जो आपने श्लोक बोला और जो एक्सप्लेन किया, ये सारे फायदे बच्चों के मसाज के भी है। यस, बड़ों के तो है ही, बट बच्चों के मसाज के। यस, मसाज किया, उसके बाद उपटन लगाना है, और उसके बाद फिर स्नान। बहुत गर्म पानी से नहलाना चाहिए बच्चों को? नहीं नहीं, बहुत गर्म पानी नहीं, हल्का, जैसे हम गर्म पानी ले रहे हैं उतना गर्म, नॉर्मल नॉर्मल। बहुत गर्म पानी से नहलाने से ही बच्चा बहुत अच्छे से सोएगा? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। बहुत रोएगा, सो मसाज करते वक्त बच्चा जितना रोएगा उतना बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, इतने जोर जोर से हमें उसको रगड़ना नहीं है। सो ऑल ऑफ यू, जितने भी स्ट्रोक्स अभी मैम ने बताया, जो भी बेनिफिट मसाज मतलब अभ्यंग के बताए, ये इसके लिए है कि वो पीसफुली बच्चे के ऊपर कोई कर रहा है विथ अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। और बच्चे ने मसाज के बाद इतने घंटे सोना ही चाहिए, किसी आयुर्वेदा साइंस में नहीं लिखा हुआ है कि अगर मसाज के बाद बच्चा 5 घंटे सोया तो ही मसाज सही हुआ। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं, वो भी प्रकृति के हिसाब से वो सोएगा। सो बच्चा ना भी सोए तो मैम चलता है? नहीं, कुछ तो सोएगा ना, थोड़ा बहुत तो सोएगा। ऐसे नहीं मैम, जैसे मेरी खुद की छोटी बच्ची 15 मिनट में उठ जाती थी, एंड देन शी यूज्ड टू बी वेरी फ्रेश, और वो पूरी रात बहुत अच्छे से सोती थी। मेरी बड़ी वाली बच्ची नहला के सुला दो, 4 घंटा तुम जो करना है कर लो, वो उठेगी नहीं। कफ प्रकृति की होगी इसलिए वो बहुत ज्यादा देर तक सोते हैं। वात प्रकृति के बच्चे थोड़ा सा आवाज आया तो उठ जाएंगे, इमीडिएटली उठ जाएंगे। बट मैम, उसमें कुछ गलत नहीं है? नहीं, कुछ गलत नहीं, उसकी प्रकृति है ना वो। सो ऑल ऑफ यू, मैं अमृता मैम को जानती हूँ, देखा है पिछले 1.5 साल से, वो मेरी टीचर है, तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखा हुआ है जो अमृता मैम के एक्शन में भी मैंने फील किया, एंड मैंने उनको कभी बताया नहीं, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप रिस्पेक्ट करते हो सामने वाला जैसा है। यस, सो माइट बी बिकॉज आप उस इंसान की प्रकृति को समझते हो, तो आपको पता है शायद कोई स्टूडेंट ज्यादा सवाल पूछेगा, शायद कोई इजीली ग्रास्प करेगा, शायद कोई एक बार पढ़ लेगा और पेपर में बहुत अच्छा लिखेगा, शायद कोई नहीं लिख पाएगा। और मैंने इनको जज करते हुए नहीं दिखाया, हम लोगों को एज अ टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस, दिस लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। कि सी, जब भी कोई इंसान कोई चीज़ सीखता है, दैट्स अ करियर ऑप्शन दैट पर्सन हैज चोजन, बट जब भी सीखता है वो इंसान उसको, तभी उसके प्यार में पड़ता है। और जब कोई इंसान इतने प्यार से अपने नॉलेज को एक्सप्लेन करता है, तभी पता चलता है कि उनका फेथ कहता है ये काम करता है। सो ऑल ऑफ यू, आप में से जो भी आयुर्वेदा के ऊपर बिलीव करते हो, यू हैव अ फेथ, इट वर्क्स फॉर यू। प्लीज एक बात बताओ, फेथ के बीच में कंफ्यूजन नहीं लेके आना, वो मैंने गुटी दे दिया है, मुझे लगता है ये काम करेगा, बट वो नहीं काम किया तो मैं 4 डॉक्टर का ओपिनियन लेती हूँ, और अगर वो 4 डॉक्टर आयुर्वेदा बेस्ड नहीं है तो वो आपको कंफ्यूज कर देगा साइंस। सो मैम, जो मैंने बोला था, एक लास्ट क्वेश्चन है मुझे, मैम अगर मैं आयुर्वेदा की कोई भी दवाई, सुवर्ण प्राशन है, घुटी है, दे रही हूँ मेरे बच्चे को, क्या उसके साथ मैं एलोपैथी नहीं दे सकती, या मुझे किसी और डॉक्टर के पास जाना ही नहीं मेरे बच्चे को लेके? सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ट्रस्ट करती हूँ, मैं वैक्सीनेशन को ट्रस्ट करती हूँ, मैं उस दवाइयों पर भी ट्रस्ट करती हूँ, तो क्या ये दो साइंस साथ में जा सकते हैं या नहीं? मतलब क्या है, दोनों भी साइंस साथ में जा सकते हैं और बहुत रिस्पेक्ट के साथ जा सकते हैं। यस, जो भी मैम ने बोला उतना ध्यान में रखना कि अगर आप आयुर्वेदा की कोई दवाई दे रहे हो या कोई एंटीबायोटिक भी दे रहे हो या कोई घरेलू उपचार या घरेलू भी नुस्खे जो हम लोग बोलते हैं वो ट्राई करो,
तो आपको ध्यान में रखना है कि दोनों चीजों में एटलीस्ट एक से डेढ़ घंटे का गैप रहना चाहिए। अलग अलग साइंस की या अलग अलग चीजों की जो दवाई है वो एक साथ में नहीं लेनी चाहिए। सो ये आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच मैम, आपने ये चीज इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया। ऑल ऑफ यू, एक चीज समझ में आ गया कि कोई राइट पेरेंटिंग नहीं होता। अगर आप आयुर्वेदा पे ट्रस्ट करते हो तो वो जो कहता है वो सही है। अगर आप बाकी साइंस में भी ट्रस्ट करते हो और आज का इंटरव्यू देखने के बाद, मैम की बातें सुनने के बाद आपको लगता है कि ये जो कह रहे हैं वो सही लगता है, तो वही सही है। सो देयर इज नो परफेक्ट वे ऑफ पेरेंटिंग। वो पेरेंटिंग का तरीका सही है जो आपको लगता है सही है, तो व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच मैम, ये पर्टिकुलर चीजें इतने ईज के साथ हम लोगों को बताने के लिए, इट मीन्स अ लॉट। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय बाय।